नमस्कार मित्रों, क्लियर कॉन्सेप्ट्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान के इस सीरीज में आज हम जानेंगे फंगस के बारे में, कवक जगत के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पांच ग्रुप में बटा हुआ है। पहला मोनेरा किंगडम, दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पाँचवा एनिमेलिया। तो यह तीसरा कवक जगत है जिसके बारे में आज हम जानते हैं। फंजाई जो है वो विश्वव्यापी होता है, यानी हर जगह पाया जाता है, हवा, जल, मिट्टी, जंतु के ऊपर, पौधों के ऊपर, गर्म स्थानों में, नम स्थानों में, हर तरह के जगह में यह मिलता है। खास करके जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो, वहाँ पर ये बहुत जल्दी से उगाते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे आपके शरीर पर जो दाँत, खाज, खुजली वगैरह होते हैं वो फंगस ही होते हैं, जो आप इचिंग प्रोड्यूस करते हैं आपके बॉडी में। प्लस अगर कोई रोटी या ब्रेड दो चार दिन आपके घर में छूट जाए बाहर में, तो आप देखेंगे उस पर ब्लू और वाइट कलर्स के फंगस डेवलप कर जाते हैं। तो ये काफ़ी आराम से किसी भी जगह पर हो सकते हैं, पैरासिटिक्स भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। फंगस जो होते हैं वो तंतुमयी होते हैं। इसके पहले जो हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था तो वो यूनिसेलुलर था, लेकिन ये जो होते हैं यूनिसेलुलर में इसका एकमात्र एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, जो एक कोशिकीय होता है। इसके अलावे जितने भी फंगस हैं वो इस तरह से, आप तंतुमयी आप देख रहे हैं, जो फंगस है वो डेवलप करके इस तरह से धीरे 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 ब्रांच की तरह फैलता है। तो इस तंतु को हम लोग जो है कवक तंतु कहते हैं, और कवक तंतु का जो जाल होता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। तो जैसे कि ये फंगस है, फिर ये धीरे धीरे फैल रहा है, तो ये जो माइसीलियम होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ब्रॉड करके देखें तो कई फंगस ऐसे हैं जिनके माइसीलियम में सेल डिवाइड होता है। आपको पता चलेगा ये एक सेल है और उसके न्यूक्लियस है, इस तरह से डिवीजन हो करके। कई फंगस ऐसे हैं जिनका माइसीलियम में सेल का डिवीजन नहीं होता है और एक ही माइसीलियम में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इसको सेप्टेट कहते हैं, यानी इनका सेप्टेशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, इसको कहते हैं एसेप्टेट। तो इसके आधार पे बाद में इसका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है फंगस का, कि फंगस सेप्टेट है या एसेप्टेट है, यानी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जिसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। फंगस का जो कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो काइटिन का और पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्लांट के केस में जो सेल वॉल था वो सेलुलोज का बना हुआ था, और मोनेरा किंगडम में जो सेल वॉल था बैक्टीरिया का, वो पॉलीसेक्राइड्स का बना हुआ था। इनके केस में एक सेल वॉल काइटिन का बनता है, उसके साथ पॉलीसेक्राइड भी अटैच होते हैं। अधिकांश फंगस जो है आपको वो परपोषित होते हैं, यानी ये क्या करते हैं कि जो मरे हुए जीव होते हैं उनके जो घुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं, डेड डिकेइंग बॉडीज पे, और उससे अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो न्यूट्रिशन होता है आपको वो जानना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन होता है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली आपको या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, या हेटरोट्रॉफिक होंगे, दूसरे पर रहेंगे, ठीक है। और ये जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, परपोषी जिसको हम लोग कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक को कहते हैं हम लोग स्वपोषी। तो फंगस जो है वो 100% परपोषी ही है, क्योंकि ये अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करता है। ऑटोट्रॉफिक होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, या केमिकल से अपना एनर्जी लेंगे, केमिकल सिंथेसिस करेंगे। जो परपोषी होते हैं वो आपको या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेंगे। तो इनके तीन टाइप होते हैं, होलोजोइक, जो फूड को पूरा निगलते हैं। उसके बाद आपको इनका दूसरा टाइप होता है पैरासिटिक होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं। और एक टाइप इनका होता है आपका मृतपोषी, जिसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका है, न्यूट्रिशन का तरीका वो यही है। फंगस जो होते हैं वो आपको परपोसी होते हैं और उसमें फिर ये सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर एक्ट करके अपना वहां से कार्बनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक्स भी होते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन होता है शैवाल का और फंगस का, जिसको हम लोग कहते हैं फंगाई प्लस एल्गी, और ये बनता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये एक सहजीवी संबंध है, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल करके अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें फंगस क्या करता है कि एल्गा को यानी शैवाल को स्पेस प्रोवाइड करता है, रहने का जगह देता है, और शैवाल उसके बदले में क्या करते हैं, फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं। ये आप इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो ये जो व्हाइट रीजन आपको दिख रहा है ये फंगस का रीजन है, और ये जो ग्रीन रीजन है ये एल्गा का रीजन है। ये फंगस और एल्गा मिल करके कंबाइंड होते हैं, तो दोनों अपना अपना काम करते हैं। फंगस क्या करता है, उसको स्पेस देता है जहां पर कि एल्गा डेवलप कर सके, और फिर एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स फंगस को भी प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध में जीते हैं। तो इस तरह का जो सहजीविता का संबंध है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपको लाइकेन। फंगसों में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो कायिक जनन होता है, उसमें खंडन है, विखंडन है, मुकुलन है। जैसे कि अब ईस्ट में एक ईस्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो बड जैसा डेवलप हो जाएगा मुकुलन विधि में, फिर वो बड डीअटैच हो जाएगा और फिर वो नया ईस्ट में डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये सिंपल विधि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के होते हैं। उसके अलावा इनमें स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, बीजाणु। तो बीजाणु क्या होता है कि जैसे कोई भी फंगस है उसका जो सेल है उसका ऊपरी सेल जो होता है वो छोटे छोटे माइन्यूट्स स्पोर्स में डेवलप कर जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है पूरा का पूरा सैक, तो ये ब्लास्ट करता है और ये छोटे छोटे स्पोर्स जहां तहां स्प्रेड करते हैं और वो फिर नए फंगस में डेवलप होते हैं। तो ये जैसे इसमें जू स्पोर है, स्पोरेंजियो स्पोर है, ये सारे का वही मेथड है। तरीका कुछ कुछ सब में अलग है, कौन किस कंडीशन में बनेगा। कोनिडिया है तो एंथ्रो स्पोर्स है, यूरो स्पोर्स है, डेसिडियो स्पोर्स है, ये सब अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं जो फंगस बनाते हैं, यानी बीजाणु हैं जो फंगस बनाते हैं। तो बहुत डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, सिंपल याद रखना है कि फंगस का जो टीप का पोजीशन होता है, फंगल जैसे माइसेलियम है वो डेवलप कर रहा है, तो माइसेलियम का जो अंतिम पोजीशन होगा, किनारा होगा, टीप होगा, वहाँ पर वो कुछ स्पेशल टाइप का सेल में डेवलप होकर के और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होता है वहाँ पे साइटोप्लाज्म उसका, और वो फिर ब्लास्ट करता है और स्पोर्स जो है सो जहाँ तहाँ ब्लास्ट करेगा, फिर उसके बाद वो नया फंगस में डेवलप होगा। तो ये इसका सबसे मेन जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो यही है, स्पोर फॉर्मेशन। और यही स्पोर्स कई बार इनहेल हो जाता है हमारे सांस के थ्रू, तो कुछ तरह जैसे कि एस्परजिलोसिस वगैरह की बीमारी होती है, तो वो हमारे शरीर में बीमारी भी करते हैं, या हे फीवर वगैरह के कॉज भी करते हैं। फंगाई का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उनको बेसिकली 5 भाग में बांटते हैं। एक तो है फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, वेसिडियोमाइसेट्स, जैगोमाइसेट्स एंड ड्यूट्रोमाइसेट्स। जो ड्यूट्रोमाइसेट्स है वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये फंगस को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है वो क्लास हो गया आपका ड्यूट्रोमाइसेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनको दो भाग में बांटते हैं, ऊमाइसेट्स एंड यूमाइकोटा। ऊमाइकोटा को फिर दो भाग में बांटते हैं, फाइकोमाइसेट्स जिसको कहते हैं एल्गल फंजाई जो कि एल्गा के साथ मिलकर के लाइकेन बनाता है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा होता है जाइगोमाइसेट्स, इसको कहते हैं कंजुगेशन फंजाई। एस्कोमाइसेट इसको कहते हैं सैक फंजाई जिसमें ईस्ट आता है, सैक जैसा दिखता है, थैला जैसा। एंड बेसिडियोमाइसेट्स क्लब फंजाई, गदा की तरह आपको जो है वो आपको डेवलप होते हैं फंगस, जैसे आप देखे होंगे कुकुरमुत्ता वगैरह जो होता है उनका सेप। तो ये इनको क्लासीफाई हम लोग करते हैं। तो ऊ माइकोटा जो होता है इनका माइसेलियम सेप्टेट नहीं होता। हमने बताया था आपको डिस्कशन में कि जो माइसेलियम होता है अगर वो सेल उसके डिवाइड हैं और उसमें न्यूक्लियस सबका अलग अलग है तो उसको सेप्टेट कहेंगे, बटा हुआ माइसेलियम। और अगर वो माइसेलियम का सेल डिवाइड नहीं है और कई सारे न्यूक्लियस डेवलप हो गए
तो एसेप्टेट कहेंगे। तो ये आपका ये कंडीशन जो होता है वो यूमाइकोटा में होता है, और ये कंडीशन जो है उमाइकोटा में होता है, और उसी के आधार पर फिर इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो टोटल 5 क्लास हो गया, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, जैगोमाइसेट्स और ड्यूट्रोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स का एग्जाम्पल जैसे एल्विगो, एल्विगो कैंडिडा, ये एक इंपॉर्टेंट बीमारी भी है जो सरसों में, सरसों के पौधे में होता है एल्विगो। एस्कोमाइसेट्स में आपको ईस्ट आते हैं, सेचेरोमाइसिस जिसका साइंटिफिक नेम है, ईस्ट के कई सारे प्रयोग होते हैं। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम से आपको एंटीबायोटिक्स बनता है, और आपको एंटीबायोटिक्स के समय में मैंने बताया था कि जो पहला एंटीबायोटिक बना था वो फंगस से ही बना था, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बना था। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम से ही बना है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा फंगस जो होता है वो प्लांट्स के केस में ड्रोसोफिला की तरह काम करता है, यानी कि जो जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया है ये एक इंसेक्ट है ड्रोसोफिला उसको, और उसके अलावा दूसरा जो यूज़ किया गया फंगस को वो है न्यूरोस्पोरा, इसीलिए उसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ये जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था। मोरल एंड ट्रफल खाने योग्य, कई बार एग्जांपल्स में पूछता है कि कौन से फंगस हैं जो खाने योग्य हैं, ये मोरल और ट्रफल जो है वो खाने योग्य फंगस हैं। उसके अलावा आप जो मशरूम खाते हैं खास करके एगेरिकस, ये बेसिडियोमाइसेट्स में आता है। एस्टेलिगो एंड पक्सिनिया, पक्सिनिया जो है व्हीट्स में बीमारी कॉज करता है, गेहूं में। उसके अलावा जाइगोमाइसेट्स, उसके एग्जाम्पल में म्यूकर एंड राइजोपस है। आप रोटी के ऊपर जो खास करके फंगस देखते हैं वो राइजोपस होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में कई बार आते हैं। ड्यूट्रोमाइसेट्स में अल्टरनेरिया है, कोलोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा आपको स्किन डिजीज वगैरह काउज करता है। तो ये 5 तरीके के इसके ग्रुपिंग है फंगस के, और इसके ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपने देखे। इसके अलावा फंगस से होने वाले अगर हम इम्पॉर्टेंट डिजीज की बात करें तो जैसे एस्परजिलोसिस, ये आपको जो है सो एस्परजिलोसिस का स्पोर होता है, इनहेल होने के बाद ये फेफड़ा और ईयर के रीजन को अफेक्ट करता है, एस्परजिलस से होता है आपको, उसको छाला पड़ना। चाहे एथलीट फुट, ये इम्पोर्टेंट डिजीज है जिसमें कि पैर में आपको इस तरह से आपको फंगस का अटैक होता है। उसके बाद आपको स्किन में दाद होना, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है प्रॉब्लम हम लोग को माइक्रोस्पोरम से। एथलीट फुट जो होता है आपको ट्राइकोफाटोनी से या उसके इस जो ग्रुप हैं उनके सदस्य से। उसके अलावे जो फीवर, हुई फीवर वगैरह होता है अल्टरनेरिया से या ट्राइकोडर्मा से, उनके स्पोर्स वगैरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि फंगस से हमारा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।